हेलो बेड़े, तो कैसे हैं आप सब लोग बारिश के मौसम के अंदर। और दोस्तों, ये वही मौसम है जब बनता है प्रोग्राम पार्टी का, तो फिर उसके लिए हम लोगों को यार वीकेंड का जो इंतज़ार है वो बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें तो चाहिए सिर्फ बारिश, दोस्त और एक बेहतरीन माइंड ब्लोइंग विस्की जिसको हम इंजॉय कर सकें हमारे दोस्तों के साथ। लेकिन क्यों हम रेस्ट्रिक्ट रहें सिर्फ एक ही बॉटल के ऊपर? नहीं यार, हमें एक बॉटल नहीं चाहिए, हमें तो दो डिफरेंट ब्रांड्स चाहिए। उनके साथ ही हम इंजॉय करेंगे, दोस्तों के साथ चीयर्स करेंगे। लेकिन सवाल उठता है अब हमारे दिमाग के अंदर कि वो दो ब्रांड कौन से होने चाहिए। तो मैं बता देता हूं आप लोगों को वो दो ब्रांड कौन से होने चाहिए। लेकिन उससे पहले वेलकम करता हूं मैं आप सब लोगों का वॉर ऑफ बॉटल के आज के इस अगेन स्कॉच भरे एपिसोड के अंदर। और जिन दो बॉटलों को आज हम आपस में रिव्यू करेंगे, भिड़ाएंगे, वॉर करेंगे, तो एक तरफ तो है हमारी बॉटल दिवर्स व्हाइट लेबल ब्लेंडेड स्कॉच विस्की और दूसरी तरफ जो हमारी बेहतरीन स्कॉच है उसका नाम है टीचर्स हाईलैंड क्रीम ब्लेंडेड स्कॉच विस्की। तो चलिए दोनों विस्कीज को साथ में लेते हैं और स्टार्ट करते हैं सफर हमारा विद व्हील्स ऑफ विस्की। दोस्तों, दोनों विस्कीज़ को ग्लास में पोर करने से पहले हम बात कर लेते हैं इनकी हिस्ट्री की, क्या यूनिकनेस है, कहाँ से ट्रैवल करके आई है। तो उससे पहले हमें थोड़ा बहुत जो व्यवहार है, प्यार है, वो बड़ा लेना चाहिए इन दोनों विस्कीज से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीचर्स हाईलैंड क्रीम विस्की की। और ये विस्की सेल होती है अंडर फ्लैगशिप ऑफ बीम सेंटोरी, जबकि हमारी जो वाइट लेबल विस्की है ये बिकती है अंडर फ्लैगशिप ऑफ बखाड़ी। मतलब नाम ही देखिए कितना भारी नाम है, बखाड़ी। और एक स्पेशल बात, जो वाइट लेबल विस्की है उसने सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के अंदर मेडल जीते हुए हैं, मोर देन 1000 मेडल्स जीते हुए हैं हमारी वाइट लेबल विस्की ने। लेकिन हमारी टीचर विस्की भी कोई कम नहीं है, 150 साल का एक्सपीरियंस है हमारी टीचर्स विस्की का। और अगर मैं वापस आऊँ वाइट लेबल विस्की के ऊपर, तो ये विस्की बनी है 40 डिफरेंट विस्कीज़ के ब्लेंड से। और मेनली इसकी जितनी भी जो विस्कीज़ है वो आई है एबरफील्ड डिस्लरी से। वहीं पे हमारी जो टीचर्स विस्की है ये बनी है 30 डिफरेंट सिंगल मॉल्ट विस्की के ब्लेंड से, और इसकी ज़्यादातर विस्कीज़ आई है अर्डमोर डिस्लरी से। तो मतलब दोनों विस्कीज़ को जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो दोनों के पास अच्छे खासे जो पत्ते हैं ना वो है। अगर एक दिखा रहा है एक का, तो दूसरे के पास मेरे को लग रहा है डबल बादशाह हैं। तो देखते हैं इस गैम्बलिंग के अंदर आखिर जीत किसकी होती है। ठीक है दोस्तों, तो समय आ गया है विस्कीज़ को ग्लास में उतारने का, और यही बेहतरीन मौका का इंतज़ार रहता है मुझे हमेशा कि कब हमारी जो विस्कीज़ है वो ग्लास के अंदर महके डले और हमारा जो स्टूडियो है उसमें बहुत ही बेहतरीन विस्कीज़ का जो आरोमा है वो बह जाए। तो चलिए हमारी टीचर्स जो विस्की है उसको भी हम ग्लास के अंदर पोर कर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों विस्कीज हमारी ग्लास के अंदर आ गई है। और सबसे पहले किसके साथ स्टार्ट करना चाहिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वाइट लेबल विस्की के साथ और चेक करते हैं कि आखिर नोजिंग नोट्स क्या बोल रहे हैं इस बेहतरीन स्कॉच विस्की के। हीदर एंड हनी, इन दोनों के प्रोमिनेंट फ्लेवर नोट्स मेरे को मिल रहे हैं इसके अंदर से। इसके अलावा मेरे को जो पियर है, पियर के भी नोट्स महसूस हो रहे हैं साथ के अंदर। जो हिंट ऑफ ओक है, ओकीनेस है, वो भी मेरे को आ रही है, उसके भी नोट्स मेरे को आ रहे हैं इस स्कॉच के अंदर से। और इससे पता लगता है कि अच्छा खासा टाइम इसने इन्वेस्ट किया है बैरल के अंदर। बिल्कुल जो ओक्स है, ओक का फ्लेवर है वो इसके अंदर घुल गया है, मिल गया है। और साथ के अंदर मुझे थोड़ा बहुत जो फ्रूटीनेस है, स्पेशली फ्रूट्स के अंदर भी जो एप्पल है उसके नोट्स महसूस हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, हल्की सी जो स्मोकी सेंसेशन है वो मेरे को मिली है इस विस्की के अंदर से। और जब मैंने इस विस्की को टेस्ट किया
तो सबसे पहले जो फ्लेवर्स है उसके अंदर वनीला है, हनी है, इन दोनों के अच्छे खासे जो फ्लेवर है वो मैंने फील करे हैं। नो डाउट वेल राउंडेड विस्की है ये। और अगर मैं बात करूँ फिनिश की, तो फिनिश इस विस्की का मीडियम है। और सबसे बड़ी बात इस विस्की के अंदर मेरे को लगी कि थोड़ा बहुत जो ड्राइनेस है, स्लाइटली ड्राई लगी मेरे को ये विस्की, और एंड के अंदर आपको ये ड्राइनेस के साथ देगी टच ऑफ स्मोक। ये तो बात थी हमारी वाइट लेबल विस्की के बारे में, और चलिए अब चेक करते हैं हमारी टीचर्स विस्की को। पानी बहुत जरूरी है, और सबसे पहले चेक करते हैं इसके नोजिंग नोट्स आखिर क्या बोल रहे हैं। फ्रूटी एंड मॉल्टी अरोमा मेरे को इसमें से मिल रहा है, साथ के अंदर जो नाइस पीट स्मोक है उसके भी नोट्स मेरे को आ रहे हैं इसके अंदर, और साथ में जो टॉफी का अरोमा है वो भी मेरे को फील हो रहा है हमारी इस बेहतरीन स्कॉच के अंदर से। बार्ले, मॉल्ट एंड हनी, इन तीनों का टेस्ट मेरे को आ रहा है इस विस्की के अंदर से। अच्छी खासी स्मोकी विस्की है, साथ के अंदर ये आपको हिंट ऑफ स्पाइसेस भी देखी, जैसे जो हिंट ऑफ स्पाइसेस है वो भी मैंने फील करा है इसके अंदर से। और अगर मैं बात करूँ फिनिश की, तो फिनिश इस विस्की का रहेगा मॉल्टी और स्मोकी। अगर एक ही वर्ड के अंदर मैं बात बोलूँ कि यार आप तो इसको कंक्लूड कर लो कि एक ही वर्ड के अंदर आप क्या बोलना चाहोगे इस विस्की के बारे में, तो मेरा वो वर्ड रहेगा क्लासिक। तो यहाँ पे फिनिश होता है हमारा रिव्यू इन दोनों विस्कीज़ के बारे में। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी दोस्तों कि जो दोनों ही विस्कीज़ है वो अच्छा खासा दम रखती है। मतलब ये बात मैं मानता हूँ कि दोनों का जो टेस्ट है वो डिफरेंट है, लेकिन यार हम सब लोगों के जो पैलेट्स है वो भी तो डिफरेंट है। मतलब वो डिफरेंट तरीके से तो रिएक्ट करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं विस्की लवर्स के लिए कि यार कौन सी विस्की हमें चूज़ करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, दोनों ही बेहतरीन विस्की है, दोनों ही शानदार विस्कीज़ है, दोनों ही ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है, तो आप दोनों में से कोई भी विस्की चूज़ कर सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि यार ये विस्की इससे ज़्यादा फार बेटर है, लेकिन अगर आप लोगों को पसंद है एक ऐसी विस्की जिसके अंदर आपको मिले माइल्ड स्वीटनेस ऑफ हनी वनीला, और साथ में वो वेल राउंडेड भी हो, तो आप लोगों को जाना चाहिए है वाइट लेबल विस्की के साथ। लेकिन अगर आपको चाहिए एक ऐसी विस्की जो स्मोकीनेस से भरी हो, मतलब आप लोग स्मोकीनेस के दीवाने हो, और साथ में आपको चाहिए स्पाइसीनेस का टेस्ट भी, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को जाना चाहिए टीचर्स हाईलैंड क्रीम विस्की के साथ। तो ये तो बात हो गई हमारी टेस्ट की, नोजिंग की, और कौन सी विस्की के अंदर क्या टेस्ट है और आपको कौन सी चूज करनी चाहिए वो तो आप चूज़ कर ही लेंगे। मेरे को लगता है आपने शायद अब तक चूज़ कर भी ली होगी। बात करते हैं यहाँ पे अल्कोहल बाय वॉल्यूम और प्राइस की। तो प्राइस हमारी जो वाइट लेबल विस्की है उसकी है 1780 रुपीज़, 1780 रुपये के अंदर ये बॉटल आपको मिल जाएगी। और इसके अंदर जो अल्कोहल बाय वॉल्यूम है वो है 40%, तो थोड़ा कम है। अगर हम जाएंगे टीचर्स हाईलैंड क्रीम विस्की की तरफ, तो प्राइस इस विस्की की है 1945, मतलब 2000 रुपए के अंदर कुछ ही पैसे कम है, कुछ ही रुपए कम है। और अल्कोहल बाय वॉल्यूम इस विस्की की है 42.8%। एक बात और दोस्तों कि दोनों ही जो विस्कीज है उसके अंदर आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल किया गया है। दोनों ही ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है, और दोनों ही विस्की बिलोंग करती है स्कॉटलैंड से। तो बेड़े यहाँ पे फिनिश हो गया है हमारा रिव्यू इन दोनों स्कॉच विस्कीज का, और इसके साथ ही आगाज हो गया है किस चीज का, आगाज हो गया है वीकेंड का दोस्तों। बिकॉज आज है फ्राइडे, कल है सैटरडे, और सैटरडे किस चीज के लिए फेमस होता है, सैटरडे फेमस होता है सैटरडे नाइट पार्टीज के लिए। तो ब्रदर एंड सिस्टर्स, आपके इस वीकेंड का जो मेन्यू है पीने का वो मैंने डिसाइड कर लिया है, खाने का जो मेन्यू है वो आप लोग डिसाइड कर लेना। लेकिन जाने से पहले, डिसाइड करने से पहले लाइक और शेयर कर देना हमारे इस बेहतरीन वीडियो को, और आपके उन दोस्तों को जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हाथ पकड़ के लाना, और जो बटन है ना सब्सक्राइब वाला उसके ऊपर दबा देना कि भाई जाके इसको दबा दे, ताकि उनके पास भी नए नए वीडियोस आते रहें, वो भी इसको एंजॉय करते रहें। और बाकी कमेंट के अंदर तो हमारी बातचीत होती रहेगी। चलिए चलता हूँ, चीयर्स एंड गुड बाय।